जय हिंद। आज हम लोग वैसे रेगुलेशन को डील करेंगे जो कि आपके गेस टेस्टिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज मैं मेनली रेगुलेशन नंबर 181 को डील करूँगा, जो है आपका मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ सेफ्टी लैम्प। दोस्तों, आप वीडियो को कम्प्लीट एंड तक देखिएगा, तभी जाके आपको कम्प्लीट नॉलेज मिल पाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम लोग समझते हैं मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ सेफ्टी लैम्प रेगुलेशन नंबर 181। पहला पॉइंट में कहा गया है कि एवरी सेफ्टी लैम्प शैल बी प्रॉपरली असेंबल्ड एंड मेंटेन इन अ गुड ऑर्डर। दोस्तों, जो भी सेफ्टी लैम्प को हम लोग यूज में लाएंगे वे अच्छा कंडीशन में होना चाहिए। यदि वे सेफ्टी लैम्प अच्छा कंडीशन में नहीं है और उसमें कोई डिफेक्ट है, कोई डैमेज है, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग उस सेफ्टी लैम्प को इशू नहीं किया जाएगा हम लोग को, और हम लोग उस सेफ्टी डैमेज सेफ्टी लैम्प को फर्दर यूज़ में नहीं लाएंगे। इसके बारे में सब रेगुलेशन फर्स्ट में कहा गया है। सेकेंड पॉइंट में बोला गया है कि जो फ्लेम सेफ्टी लैम्प का वायर गेज है वो कहीं से टूट जाए या फिर वो जल जाए, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग उस वायर गेज को फर्दर यूज़ में नहीं लाएंगे। और यहाँ पे कहा गया है कि हम लोग रिपेयर किया हुआ वायर गेज को भी यूज़ में नहीं लाएंगे। दोस्तों, जो डिफेक्ट हो गया है और जो डैमेज्ड हो गया है वायर गेज, उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे और उसके जगह पे एक नया वायर गेज को प्लेस करेंगे। और यह काम करने का जो ड्यूटी होता है वो माइन मैनेजमेंट का होता है। उसके पास सफिशियंट नंबर ऑफ वायर गेज वे रखते हैं अपने पास, ताकि यदि कोई भी वायर गेज, जो फ्लेम सेफ्टी लैम्प का वायर गेज है, वो कहीं ख़राब हो जाता है तो उसे वो फर्दर रिप्लेस कर सके। इसलिए वो सफिशियंट नंबर ऑफ वायर गेज अपने पास रखते हैं इन अ सेफ्टी लैम्प रूम। थर्ड पॉइंट में बोला गया है कि जो डैमेज्ड और डिफेक्टिव पार्ट्स है फ्लेम सेफ्टी लैम्प के, उसको हम लोग स्टोर करके सेफ्टी लैम्प रूम में नहीं रखेंगे। दोस्तों, जैसा हम लोग घर का जो कचरा होता है उसको हम लोग डस्टबिन में रखते हैं, ठीक उसी तरह से जो डैमेज्ड और डिफेक्टिव पार्ट्स होते हैं सेफ्टी लैम्प का, उसको हम लोग स्क्रैप यार्ड में रखते हैं। ये स्क्रैप यार्ड को हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ कूड़ा रखने वाला ही जगह के जैसा ही होता है, तो उसको हम लोग स्पेशली स्क्रैप यार्ड में रखते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है क्या, नो ग्लास ऑफ अ सेफ्टी लैम्प शैल बी रिप्लेस्ड। दोस्तों, जो भी सेफ्टी लैम्प के ग्लास है उसको हम लोग रिप्लेस नहीं करेंगे, तब तक रिप्लेस नहीं करेंगे जब तक कि चीफ इंस्पेक्टर अप्रूव्ड ना कर दे। और चीफ इंस्पेक्टर का ड्यूटी होता है कि वो टाइम टू टाइम फ्लेम सेफ्टी लैम्प को जांच करते हैं, मेंटेनेंस करके रखते हैं और देखते हैं कि कौन सा सेफ्टी लैम्प ख़राब हो गया है और कौन सा अच्छा कंडीशन में है, वो सभी का रिकॉर्ड वे रखते हैं। DGMS अप्रूव करती है वैसे ग्लास जिस ग्लास का मैन्युफैक्चर ब्रोसिल नाम के कंपनी करते हैं। इसमें और भी बातें कही गई है, जैसे कि आपका जो सेफ्टी लैम्प का वीक है और जो बैटरी है उसको रिप्लेस किया जाएगा, वो मैन्युफैक्चर ही के द्वारा ही रिप्लेस किया जाएगा। अभी जो बैटरी हम लोग यूज़ में लाते हैं सेफ्टी लैम्प में, वो है आपका एवररेडी का। एवररेडी बैटरी हम लोग यूज़ में लाते हैं और उस बैटरी का मॉडल नंबर है आपका R14/1035। ये तो मॉडल हो गए और ये कंपनी हो गई आपका एवररेडी का। बैटरी हम लोग यूज़ में लाते हैं सेफ्टी लैम्प में। यदि मैन्युफैक्चरर चाहे तो ये जो बैटरी कंपनी का जो बैटरी है उसको वो रिप्लेस कर सकती है, उसके जगह पे दूसरे कंपनी के बैटरी को हम लोग यूज़ में ला सकते हैं। उसके बारे में भी यहाँ पे कहा गया है। इसमें और भी बातें कही गई है कि कोई भी पार्ट्स जिसको भारत में ही मैन्युफैक्चर हुआ हो और उस पार्ट्स के डिज़ाइन को यदि चीफ इंस्पेक्टर अप्रूव कर दिया, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग उस पार्ट्स को फर्दर सेफ्टी लैम्प में यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि नो रिपेयर पार्ट शैल बी यूज्ड इन द सेफ्टी लैम्प। दोस्तों, कोई भी रिपेयर किया हुआ पार्ट्स को हम लोग सेफ्टी लैम्प में यूज़ नहीं लाएंगे। सिक्स पॉइंट कहता है कि जो सेफ्टी लैम्प को हम लोग रखे हैं फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन, जांच करने के लिए कि कहीं पे इन्फ्लेमेबल गैस प्रेजेंट तो नहीं है, तो उस सेफ्टी लैम्प में हम लोग कोई भी अदर ऑयल का प्रयोग नहीं करेंगे। हम लोग वही ऑयल का प्रयोग करेंगे एज अ फ्यूल के तौर पर जिसको चीफ इंस्पेक्टर अप्रूव किया रहे। यदि बात करें कि वर्तमान में अभी हम लोग कौन से ऑयल को एज अ फ्यूल के तौर पर सेफ्टी लैम्प में यूज़ करते हैं, तो वो है आपका SO सॉल्वेंट 1425। दोस्तों,
एसओ सॉल्वेंट 1425 वो एविएशन में यूज़ होता है, ये एरोप्लेन ये सब में यूज़ आता है ये फ्यूल, और ये फ्यूल हमें जनरली मिलता नहीं है मार्केट में। सो इसलिए हम लोग अभी वर्तमान में पेट्रोल का यूज़ करते हैं, और पेट्रोल को परमिट किया गया है DGMS के द्वारा यूज़ में लाने के लिए सेफ्टी लैंप में एज अ फ्यूल के तौर पर। 7 पॉइंट में कहा गया है कि हम लोग को इलेक्ट्रिक सेफ्टी लैंप तब तक इशू ना किया जाए जब तक कि उस इलेक्ट्रिक सेफ्टी लैंप को अच्छा तरीका से असेंबल ना हो, और उसे अच्छा तरीका से सिक्योरली लोड ना हो, और उसका जो बैटरी है इलेक्ट्रिक सेफ्टी लैंप का वो प्रॉपरली चार्ज ना हो, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग को इलेक्ट्रिक सेफ्टी लैंप इशू नहीं किया जाएगा। अब लास्ट पॉइंट कहता है कि नो इलेक्ट्रिक सेफ्टी लैंप शैल बी हंग और हैंड बाय द केबल। दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रिक सेफ्टी लैंप को वॉल में हैंग नहीं करेंगे, मेनली यही बातें यहाँ पे कहा गया है। तो यही सारे बातें थी जो आपका रेगुलेशन नंबर 181 जो कि है आपका मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ अ सेफ्टी लैंप कहता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप ज़रूर बताएं, और यदि चैनल पे आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।